तस्वीर बहुत अहम है। गृहमंत्री अमित शाह बंगाल दौरा, दूसरा दिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी विवेकानंद सारणी का उद्घाटन करना है। इस बीच रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए गृहमंत्री अमित शाह लगातार टीएमसी कह रही है कि बाहरी लोग हैं, संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन यही बात जो आरोप लग रहे हैं एक्शन से उसका जवाब दिया जा रहा है। अब फिर चाहे बंगाल की संस्कृति से जुड़ने की बात हो, उसके लोक कलाकारों से जुड़ने की बात हो, आदिवासियों से जुड़ने की बात हो, किसानों से जुड़ने की बात हो, मंदिर धर्म कहीं से भी संदेश आए, लेकिन लोगों के जनमन तक पहुंचने की पूरी कोशिश। इस बीच विश्व भारती यूनिवर्सिटी में विवेकानंद सारणी का उद्घाटन है और रविन्द्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए गृहमंत्री अमित शाह, तो बंगाल के रण में तैयारियां पूरी है, सोनार बांग्ला का सपना पूरा करना है, आर नोए अन्याय इसी नारे के साथ और बैनर पोस्टर पर यही नारे लगातार लगे हुए हैं। लोगों से कहा जा रहा है अन्याय है, आवाज उठाइए, आइए, यानी कि लोगों को जोड़ने की भी एक तरीके से कोशिश और खुद बंगाल की संस्कृति के साथ जुड़ते हुए ये बताने और दिखाने की कोशिश कि बाहरी नहीं बल्कि आपके अपने हैं और किस तरीके से उस संस्कृति को समझते हैं और उसको नमन करते हुए यही से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश अमित शाह की। दो दिन का दौरा, कल शुरुआत खुदीराम बोस को नमन करने के साथ हुई थी, वो भी तस्वीरें हमने देखी थी, किस तरीके से किसानों के घर खाना खाया था वो देखा था, मंदिर में पूजा अर्चना आरती की थी, वो तस्वीरें भी बहुत मायने रखती हैं। विवेकानंद से संस्कृति को जोड़ने की भी कोशिश, जिस तरीके से उसके साथ जुड़ने की कोशिश थी, और आज एक बार फिर से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह बंगाल के बोलपुर, वहां से गाड़ी से शांति निकेतन पहुंचकर गुरु टैगोर को श्रद्धांजलि दी। मनोज्ञा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, कितने आरोप टीएमसी लगाने की बारी है, लेकिन संस्कृति से जुड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। जहां जाते हैं वहां ये दिखाने की कोशिश की बारी नहीं, आपके अपने हैं, आपकी संस्कृति को हम भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप, क्योंकि ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। सही है, जहां एक और एक बाहरी होने का, आउटसाइडर होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन उसी को तोड़कर अब उन्हीं बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश आ रही है। ये जो जनता है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, नेता भले ही बाहर के दूसरे प्रदेश से आ रहे हो लेकिन है तो भारत से ही, लेकिन उसके साथ साथ अब जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, जैसे नेता कह रहे हैं कि देखिए अब तक हमें समर्थकों को लाना पड़ता था, बुलाना पड़ता था, लेकिन अब लोग अपने घरों से निकल निकल के आ रहे हैं। बंगाल की राजनीति में ये बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा होती है, लोगों को परेशान किया जाता है, जो भी सत्ता में रहा हो, तो वाम मोर्चा हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, इस तरह से एक विपक्ष की रैली में लोगों का सड़कों पे खड़े होकर डांस करना, लोग जब सड़क पर खड़े होकर डांस कर रहे हो और लगातार नारे लगा रहे हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती है, खासतौर से बीरभूम में। गढ़ है ये तृणमूल कांग्रेस का, न सिर्फ गढ़ है बल्कि हमेशा यहाँ पर टीएमसी की पकड़ रही है। अनुब्रत मंडल जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने लगातार, जिनके ऊपर कई आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर तानाशाही का माहौल बना रखा है। बात सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नहीं है, बात है कि जो आंकड़े हैं वो भी वही दिखाते हैं। लेकिन अब ये इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं, दूसरी तरफ की तस्वीरें, जहां तक आपको नजर जाएगी वहां पर एक और सुरक्षा व्यवस्था है, और साथ ही साथ दूर दूर तक आपको झंडे, पुलिस, उनके साथ जो टैबलॉइड लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा, और पिछली बार जब जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पे हमला हुआ था उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। लोगों में, समर्थकों में जिस तरह से उत्साह है, वही दूसरी ओर प्रशासन में भी संजीदगी का माहौल है इस बार। जो लगातार आप देखिए दूसरी तरफ, आपको जहां तक ये पूरा करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसी पर रोड शो होगा। रोड शो की जो पूरी तैयारी है, चारों ओर रस्सियां लगा दी गई हैं। रस्सियां इसलिए लगाई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति कॉर्डन में, जो सिक्योरिटी कॉर्डन रहेगा वीवीआईपी का, उसमें ना घुसे। दोनों तरफ एलईडीज लगाए गए हैं, एलईडीज के जरिए न सिर्फ लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास, बल्कि जो लोग नहीं आ पाए उन तक भी अपनी बात पहुंचाने का प्रयास। झंडे लगे हैं, तस्वीरें लगी हैं, भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, अमित शाह की हो, या फिर बाकी सारे नेताओं की हो, दूर दराज से नेता आ रहे हैं, महिलाएं, लड़के, बच्चे, या यूं कहें जो लोग, जो समर्थक है, छोटे छोटे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जगह जगह से वो आ रहे हैं। देखिए पूरी तरह से सजावट कर दी गई है।